नमस्कार, मैं हूँ आरती परब। ए है प्रगति टाइम्स न्यूज रील। आज के मुख्य समाचार। कठुआ दुष्कर्म हत्या मामले में मास्टरमाइंड व दो अन्य को उम्र कैद। राम मंदिर पर शिवसेना सांसद संजय राउत बोले, हमारे लिए मोदी ही सुप्रीम कोर्ट। सेंसेक्स में 169 अंकों की बढ़त, निफ्टी 11,900 के ऊपर बंद हुआ। कच्चे तेल में लौटी तेजी, पेट्रोल डीजल के दाम में गिरावट पर लगेगा विराम। कमलनाथ ने विधायक पद की शपथ ली। मोदी और अमित शाह से मिले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल। पत्रकार प्रशांत कनौजिया की गिरफ्तारी के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में याचिका। एयर इंडिया घपले में प्रफुल्ल पटेल ईडी के समक्ष पेश हुए। वीडियोकॉन मामले में चंदा कोचर ईडी के समक्ष पूछताछ के लिए नहीं पहुंची। पायलट ने अधिकारियों से आम लोगों के मुद्दे पर ध्यान देने को कहा। दिल्ली विश्वविद्यालय के नए प्रवेश मानदंडों के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका। उच्च न्यायालय ने वेबसाइटों को विश्व कप प्रसारित करने से रोका। 2011 विश्व कप के हीरो युवराज सिंह की भावात्मक विदाई। कर्नाड के निधन पर कर्नाटक में अवकाश 3 दिवसीय शोक घोषित। गोवा के मुख्यमंत्री ने गिरीश कर्नाड के निधन पर शोक व्यक्त किया।